श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि हमारे जो अधिकतर सिद्ध मंदिर हैं वो हमेशा ऊंचे पहाड़ों पर ही क्यों हैं, इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है। क्या आपने सोचा है कभी कि हिंदू धर्म में अधिकतर बड़े सिद्ध धर्म स्थल ऊंचे पहाड़ पर क्यों बने हुए हैं, इसका रहस्य क्या है? आखिर क्यों सारे के सारे बड़े सिद्ध मंदिर, धर्म स्थल, सिद्ध स्थान सब ऊंचाई पर है, ऊंचे पहाड़ों पर है, और क्यों इन्हें साधारण मानव से दूर रखने का प्रयास किया गया है? आखिर यह स्थल मैदानी इलाके में भी तो हो सकते थे। तो अधिकतर इस पे जो रिसर्च किया गया है तो इसमें एक बहुत सारी रहस्यमय बातें सामने आई है, जिससे एक से एक रहस्य की परतें खुलती चली गई। वास्तव में यह मंदिर नहीं बल्कि अपितु एक साधना स्थल है, सारी की सारी जगह। सिद्धों के अनुसार यह कोई आम स्थल नहीं है जहाँ किसी मूर्ति की आराधना होती है, अपितु ये ऐसे विशेष स्थल हैं जहाँ उस देवी देवता की विशेष ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है, जिस कारण साधना में जल्दी सफलता मिलती है। और कालांतर में यही स्थल लोगों के बीच में लोकप्रिय हुए और लोगों ने इसे मंदिर की तरफ प्रयोग किया, जिस कारण साधनात्मक पद्धतियाँ लुप्त होती चली गई। फिर ये शोर और कोलाहल से दूर होता है। किसी भी साधना में अत्यधिक एकांत की आवश्यकता होती है और मैदानी इलाकों में यह व्यवस्था नहीं है, और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या बहुत ही कम होती है अतः साधना में बड़ी सुविधा रहती है। फिर होती ऊर्जा वाली बात, प्राकृतिक ऊर्जा। पहाड़ अपने आप में पिरामिड के आकार के होते हैं जहाँ ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा रहता है, इसलिए शक्ति साधकों को साधनाओं में सफलता आसानी से मिलती है। और जिस स्थान पर साधना सिद्ध होती है वही स्थान मंदिर की तरह पूजे जाने लगते हैं। अनेक सिद्धों के स्थल का प्रभाव होता है। ऊंचे पहाड़ों में कई सिद्ध भी वास करते हैं जिनका संबंध भी उस स्थान पर पड़ता है, और कहते हैं ना कि जिधर भक्त होते हैं भगवान भी वहीं वास करते हैं। जैसे केदारनाथ पूरी तरह से सिद्ध स्थल है जहाँ नर नारायण ने तपस्या की थी और उसी कारण यहाँ मंदिर स्थापित हुआ। और ये प्रकृति से काफ़ी निकट होती है। प्रकृति के निकट होने और मानव जन से दूर होने के कारण पहाड़ों पर प्राकृतिक सफाई रहती है और प्रकृति के भी निकट रहा जा सकता है, जिस कारण दैव प्रत्यक्षीकरण भी जल्दी होता है। और जिधर दैव प्रत्यक्ष कर उसने वरदान लिया जाता है तो वो स्थान अपने आप में मंदिर समान हो जाता है। लंबी और बड़ी साधनाओं के लिए ऐसी जगह बहुत उपयुक्त होती है। वीरान और रहस्यमयी होने के कारण पहाड़ लंबी और बड़ी साधनाओं में अधिक उपयुक्त रहते हैं, जिधर सफलता के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। शुरू से ही पहाड़ों को देवताओं का भ्रमण स्थली माना गया है और देवताओं को पहाड़ों में सूक्ष्म रूप में वास भी कहा गया है। पुराणों में ऐतिहासिक रूप से वर्णित है कि कई पहाड़ों को देव शक्तियों का निवास स्थल होने का वरदान भी प्राप्त है, जिसके कारण कई पर्वत श्रृंखलाएँ वंदनीय भी है। स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर रहने वालों का स्वास्थ्य मैदानी इलाकों में रहने वाले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहता है, और यही कारण है कि ऐसे स्थानों पर अध्यात्म का विकास भी जल्दी होता है। मैदानी इलाकों में मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, लेकिन अधिकतर पहाड़ी इलाकों में स्थानों पर मौसम लगभग लगभग एक सा रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और यह एक सबसे बड़ी वजह है कि अधिकतर जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो पहाड़ों में ही वास करते थे, जिससे कि उनका अधिकतर समय मौसम के प्रतिकूलता की तैयारी में नष्ट नहीं हो। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।